कितने सारे खंभे उसके इर्द गिर्द भाग सकते थे माता यशोदा के हाथ ना आने के। हाँ, उनके पास बहुत तरीके हो सकते थे महल के अंदर ही, लेकिन वो बाहर के आंगन की तरफ ही उभारे। कृष्ण बड़े चतुर हैं, सबसे अव्वल नंबर उनका आता है सब में, सब चीज में, चाहे चोरी करो या कुछ भी करो, सबसे बड़े चीजें कृष्ण है। और कहते हैं जेरी भजे कृष्ण शेरी गुण चतुर, जो कृष्ण को भजता है वो सबसे चतुर है। तो माता यशोदा को इसलिए कृष्ण इसलिए आंगन में भागे क्योंकि वो माँ जानते थे कि यशोदा माई ऐसे तुरंत आंगन में नहीं आएगी, क्योंकि अब सूरज देवता निकल चुके हैं और ब्रज में चहल पहल होने लगी है, वरिष्ठ गोपगण आदि की उपस्थिति हो सकती है और एक ब्रज की नारी होकर के लज्जा के कारण ऐसे तुरंत नारियां बाहर नहीं आती, और यद्यपि अगर आती भी है तो उनको घूंघट ओढ़ना पड़ता है, और अगर वो घूंघट ओढ़ेगी तो वो ठीक से नहीं देख पाएगी और कृष्ण जो है वो आगे आगे निकल जाएंगे। ये कृष्ण का जो है अनुमान था। तो कृष्ण जैसे ही छलांग मार करके बाहर गए, माता यशोदा ने तुरंत उसी स्टोर रूम वाले कमरे में से पैर रखने से पहले उन्होंने दाएं बाएं देखा कोई है या नहीं है, और उन्होंने दृढ़ता कर ली थी कि मुझे कृष्ण को पकड़ना ही है। उन्होंने ये दृढ़ पूर्वक, तो वो जो है कृष्ण के पीछे पीछे आंगन में दौड़ने लगी। इतना सुंदर वर्णन है इसी प्रसंग का, आंगन में जो दौड़ लगाई है माता यशोदा। पहले श्लोक में यशोदा भीयू खलक धव मान, धव वो दौड़ रहे हैं, और माता यशोदा का शरीर थोड़ा भारी भरकम है तो वो हाफने लगती है। उनके जो बाल है हमारे आचार्य ऊपर बताते हैं छूट जाते हैं, और बालों में जो केल के फूल लगे हुए हैं वो फर्श पे गिर जाते हैं। तो माता यशोदा रुक जाती है दो क्षण के लिए और केल के फूलों को उठाने का प्रयास करती है। दोबारा हमें अपने आप को याद करवाना पड़ेगा सब कुछ वैष्णव है चिन्मयी धाम में। तो केल के फूलों को उठाने का प्रयास कर रही है तो केल के फूल कह रहे मैया हमें छोड़ो, हमारी फिक्र मत करो, वो देखो आपका नटखट वहां जा रहा है भाग रहा है, उसके पीछे जाओ। तो माता यशोदा फिर अपनी दौड़ फिर शुरू कर देती है, भागते भागते हाफते हाफते पसीना छूट जाता है माता यशोदा को, और कृष्ण दौड़े जा रहे हैं और माता यशोदा जो है कृष्ण को नहीं पकड़ पा रही है अब तक। कुछ क्षण बाद जब कृष्ण मुड़ के देखते हैं तो उन्होंने देखा कि मेरी माँ को पसीना आ रहा है और मेरी माँ बड़ी दृढ़ है मुझे पकड़ने के लिए, उनका प्रेम कितना घनिष्ठ है मेरे लिए, तो अब मुझे पकड़ा अपने आप को पकड़ा लेना चाहिए। तो परमवशम अत्यंत ततो धृत्य भूप्या, पीछे से दामोदर को पकड़, जब तक दामोदर पीछे नहीं देखते माँ यशोदा पकड़ नहीं पाती है। जीव गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं कि जैसे कि एक छोटा बादल हो और उसके पीछे बड़ा बादल हो और हवा के झोंके से दोनों ही एक दूसरे का
इसका पीछा कर रहे हैं, ऐसा ऐसा सुंदर दृश्य है, ऐसा वर्णन किया है। और जो ही उन्होंने पीछे देखा, परामर्श था, पीछे से माता यशोदा ने उसको पकड़ लिया। तो यहां पर कुछ तत्व है। तत्व यह है कि रूप गोस्वामी बात हमारा आचार्यगण बताते हैं कि भक्त को अपना प्रयास पूरा करना चाहिए, निश्चय धैर्य। हमारे जीवन में बहुत सारी बाधाएं आ सकती हैं, बहुत सारे कष्ट आ सकते हैं, लेकिन हमें जो है कृष्ण को पकड़ने का प्रयास करना चाहिए, कृष्ण को पकड़ लेना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत में भी पहले श्लोक में मंगलाचरण है, जजमान क्षमा करना, श्रीमद् भागवत में धर्म प्रोचित कैतव अत्रो परमो निर्मल सनानाम सता वेद्यम वास्तव अत्रो शिवतम तापोत्रय उन्मूलनम श्रीमद् भागवतम महामुनि कृते किं वा परे ईश्वर सद्यो अवरुद्यते अत्र कृतुभि शुश्रुभि तत्क्षणात्। हमारी इतनी दृढ़ता होनी चाहिए, हमारे लिए इतना डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि जिससे हम कृष्ण को अवरुद्य अरेस्ट कर सके हमारे हृदय के अंदर। कितना सुंदर व्यासदेव जी ने लिखा है पहले ही श्लोक के अंदर। और ये श्रीमद् भागवत अगर अच्छी तरह उसको उस भाव से हम उसका पठन करें, उनकी सेवा करें, तो कृष्ण को हम जो है बद्ध कर सकते हैं कृष्ण को, क्योंकि वो भक्त वश है, भक्त के वश में आ जाते हैं। तो कृष्ण पकड़े जाते हैं और माता यशोदा के हाथ में छड़ी है, वो देख करके उनको बहुत जो है भाई। तो जब श्लोक में हम प्रवेश करें दामोदर अष्टकम के पहले, सत्यव्रत मुनि और कृष्ण का जैसे एक सूक्ष्म संवाद है, दिग्दर्शनी में सनातन गोस्वामी पाद टीका करते हैं। तो सबसे पहले वो नमन करते हैं, नमामि ईश्वरं सच्चित् आनंद रूपं। ये दास्य भाव है, दास्य भाव यहां पर प्रकट किया है सत्यव्रत मुनि है, नमन करते हैं। बहुत सारे भगवान के अवतार हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, सारे के सारे सच्चिदानंद हैं, लेकिन उन्होंने उस सच्चिदानंद रूप को नमन करते हैं गोकुले ब्रजमान, जो गोकुल में विराजमान है बड़ी हाथ से। हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ ऐश्वर्य वैकुंठ में है, सबसे ज्यादा ऐश्वर्य तो गोलोक के अंदर है, इसकी कोई तुलना नहीं है, लेकिन मधुरता या माधुर्य रस की वजह से ऐश्वर्य डर जाता है। मधुरता गोलोक के अंदर जितने भी रस है, सख्य वात्सल्य माधुर्य, वो बहुत मधुर है और इतने विद्यमान है कि वो ऐश्वर्य को निंदित कर देता है। लेकिन ऐश्वर्य तो है, वैकुंठ से कई गुना अधिक ऐश्वर्य है वहां। इससे बड़ा ऐश्वर्य क्या हो सकता है कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने भक्त के वश में आकर के जो है जो वो चाहते हैं वो करते हैं, वो उससे बड़ा ऐश्वर्य क्या हो सकता है, सोचने वाली बात है। तो उस सच्चिदानंद गोकुल के अंदर जो ब्रजमान, ब्रजमानव मतलब ब्रज के अंदर विराजमान है, उसको ब्रजमानव कहते हैं। ब्रजमानव मतलब हम लोग कहते हैं, लेकिन विराजो कोई आता है तो कहते हैं विराजो जी प्रभु,
तो विराजना मतलब बड़ी खास से जो वहां पर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं उस सच्चिदानंद रूप को मैं नमन करता हूं। तो ये एक मंगलाचरण है इस दामोदर अष्टकम का, और प्रभु को प्रसन्न करने के लिए वो नमन करते हैं, अपने आप को दंडवत प्रदान करते हैं और फिर वो लीला में प्रवेश करते हैं। जो देख रहे हैं वो जो स्मृति आई है यशोदा भीम कल भवमान, वो कल से जब उन्होंने छलांग लगाई परामर्शा अत्यंत तत्व धृत्य गोप्या, पीछे पीछे की गोप्या का जो यहाँ पर प्रयोग किया है हमारे आचार्य जी बताते हैं यशोदा भी कर सकते थे यशोदया, लेकिन गोप्या इससे कहा कि ये जो दृश्य है ये जो लीला है वो गोकुल की वधुएं जो वात्सल्य रस में है उनको जो है ये उनको जो है दृश्य उनको जो ये लीला जो है उनको उनको उसी के दर्शन होते हैं, हर एक को मिलता नहीं है, उन्हीं को उपलब्ध है गोप्या। उससे गोकुल की शान बढ़ जाती है इस शब्द का प्रयोग करने से। और जब वो पकड़े जाते हैं छड़ी देख करके तो दूसरे श्लोक में कहते रुदल का मुह नेत्र, बार बार वो रो रहे हैं, युग्म निजंतम अपने दोनों हाथों से अपनी आंखों को जो है वो मार्जन कर रहे हैं। निजंतम कृष्ण इतने नटखट है बड़े छलिया है, वो सचमुच में रो नहीं रहे थे, वो दिखा रहे हैं कि मैं रो रहा हूं ताकि मेरी मां मुझे छोड़ दे। और जो अश्रु बहाने का जो तरीका उन्होंने जो वहां पर प्रस्तुत किया है आंखों को बार बार जो है उसका मार्जन करने से, यदि भी अगर आप जोर से अपनी आंखों को करें ना तो अश्रु निकल आएंगे। तो माता यशोदा से उसकी जो है जो डांट पड़ने वाली है या पिटाई होने वाली है उससे वो छूट जाएंगे, ये उन्होंने सोचा। लेकिन माता यशोदा जो है बड़ी दृढ़ है, अनंत कोटि योगी बैठे हैं योग धारण में ताकि उनको कुछ क्षण के लिए भगवान के दर्शन हो जाए। कहते हैं कि इसी व्रज के अंदर एक बार सूरदास जी रात को भजन कर रहे थे और काफी देर हो गई थी, आप तो जानते हो कि 10 बजे के बाद तो काफी सन्नाटा हो जाता है व्रज के अंदर, और देर होने के कारण सूरदास जी साहब जानते हैं कि देख नहीं सकते थे। तो भजन करते 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 उनको देरी हो गई, तो एक छोटा लड़का आया और कहा बाबा चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ आपकी कुटिया में। तो ठीक है, उन्होंने लाठी पकड़ ली आगे आगे उस लड़के ने छोटे बालक ने, और पीछे सूरदास बाबा जो है जा रहे हैं। तो सूरदास को एक अनुभूति हुई कि इतनी रात के छोटा बालक यहाँ क्या कर रहा है, और उन्होंने फिर महसूस किया ये तो साक्षात कृष्ण है। तो उन्होंने फिर एक युक्ति करी, धीरे धीरे अपनी लाठी पर उन्होंने अपने हाथ बढ़ाए, बोले लाला तू कहाँ रहता है वृंदावन में, तेरे माँ बाप कौन है, ऐसे ऐसे वार्तालाप करने लगे और धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाने लगे, और वो लाठी के उस एंड तक जब उनका हाथ पहुंचा तब जो है कृष्ण जो है अदृश्य हो गए और चले। तो कृष्ण को पकड़ना इतना आसान नहीं है, अच्छे अच्छे भक्तों ने प्रयास किया है लेकिन माता यशोदा पकड़ पाई, उसी को कहते हैं दामोदर भक्ति मंत्र। दोबारा पुनः पुनः कि हमें याद रखना है आचार्य गण की वाणी,
कि जब हमारा प्रेम कृष्ण से प्रेम से अधिक होता है तो कृष्ण हमारे वश में आ सकता है। माता यशोदा का प्रेम कृष्ण के प्रेम से अधिक था, इसीलिए पहली बार जब कृष्ण वो अपनी माँ के पेट में अपने दोनों पैर को ऐसे करके जो बैठे थे, जब दूध पी रहे थे, माता यशोदा ने तुरंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के, अनंत कोटि इस जगत के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिसमें अनंत बल है, उनको एक खिलौने की तरह स्पर्श से रख दिया। उसको कहते हैं दामोदर भक्ति माता। प्रेम के वश विवश होकर के कृष्ण जो है यशोदा के वश में आकर परम सामर्थ्य तत्वोद्भूत पकड़ जाते हैं, पकड़े जाते हैं। तो जब उन्होंने अपने मार्जन किए, अश्रु निकाले, तो माता यशोदा को पता है, माँ है, कि ये नागर था। माता यशोदा ने छड़ी और भी उसके नाक के पास चली, कृष्णा तू चोरों का राजा है, उसको ऐसे करके संबोधित करते हैं, तू चोरों का राजा है। और कृष्ण जो है देख रहे हैं छड़ी की तरफ और अब सचमुच में रो पड़े। तो उसमें आगे कुछ श्लोक के अंदर ये वर्णन आता है, जब सचमुच में रो पड़े तो मुनु सांस कंपन, सांस जो है फूलने लगी, कंपन होने लगा उनका शरीर, मुंह सांस कंपन त्रिरे खंख, और तीन रेखाएं कृष्ण ऐसे नीचे देख रहे हैं छड़ी की तरफ, और उन इतना सुंदर उनका जो चेहरा है फूला भरा, उसके जो गर्दन है उसमें तीन रेखाएं पड़ जाती है जैसे कि शंख में रेखाएं होती हैं, और उनकी छाती पर सुंदर सी मोती की माला है और दूसरे आभूषण है। तो छाती फूलने से, सांस लेने से वो मोती की माला हिल रही है। तो ऐसे करके वो रुदन कर रहे हैं, रुदन का मुहूर्त नेत्र युग्मं विजन्तं करा भोज युग्मेन सातंक नेत्रम, उनकी आंखों में सचमुच में भय। यही दृश्य कुंती देवी माता पहले स्कंद आठवें अध्याय में वो कहती है कि मुझे याद है जब तुम्हें बांधा था उखल से, तब तुम कैसे रोए और तुम्हारा जितना अंजन था वो सब बिखर गया था, और व्यक्ति भीती थी, ये शब्दों का प्रयोग किया है कि साक्षात भय आपसे डरता है वो माता यशोदा की छड़ी से डरता है। कुंती माता उसको याद कर रही है उस प्रसंग को। भागवत में दो बार उन्हें हुआ है ये दामोदर लीला का, पहले स्कंद में ही आठवें अध्याय हो चुका है और फिर दसवें स्कंद में नौवें अध्याय। जो माला है दामोदर भक्ति बलदा, भक्ति की वजह से वो पकड़े गए। अब पकड़े जाने पर यशोदा माता बार बार कहती है चोरों का तू राजा है, क्यों कहा, क्या किया तुमने, मटकी तोड़ी, पुत्र मैया मैंने नहीं तोड़ी, मैं चोर नहीं हूं। सुना है तुम्हारे वंश में एक चोर घोष नाम का, तुम्हारे वंश में एक गोप था, मेरे नंद बाबा के वंश में कोई चोर नहीं है। अब देखिए यहां पर तो हद हो गई, रॉन्ग बटन दबा दिया कृष्ण ने। देखिए लीला कैसे माता यशोदा का और किरदार है। कहते हैं कभी भी अपनी पति पत्नी में झगड़ा हो जाएगा या किसी स्त्री के साथ बड़ा सावधान रहना चाहिए, उनके परिवार के बारे में कुछ मत बोलना, यद्यपि अगर उन्होंने उनके परिवार के बारे में कुछ मत आफत आ जाएगी, उनको चाहे कुछ भी बोल दो। तो माता यशोदा यहाँ पर बताते हैं
कि उन्होंने ये कहते कि मैंने सुना है कि आपके वंश में माता यशोदा एक गोप था जिसका नाम चोर घोष था। हमारे नंद बाबा के वंश में तो ऐसा कोई चोर नहीं है। अच्छा, ऐसा कोई चोर नहीं है, तुम पता बार बार गोपियां आती है और कहती है चोरी करता है, आज मैंने खुद मैंने तुम्हें शिखाओं से माखन चुराते हुए और बंदरों को खिलाते हुए लोगों को देखा, और जो रसोई घर में बड़ी मटकी थी वो किससे तोड़ी? तो कृष्ण कहते हैं जिससे बनाई उसी ने तोड़ी। देखो कैसे तत्व भगवान जो है सच्चिदानंद है, कह रहे हैं जिससे बनाई उसी ने तोड़ी। अच्छा, जिससे बनाई उसी ने तोड़ी, तो एक बात बता, ये तेरे मुख पे इतना माखन और दही कैसे लगा हुआ है? झूठ बोलता है तू? बोलते देख मैया तू कितनी भोली है, जब तू वो दूध चूल्हे से उठाने गई तब कुछ अंदर बंदर घुस गए थे, उन्होंने तेरी मटकी में हाथ डाले और मैंने उनको रोका तो उन्होंने मुझे चार पांच चपेट लगा दी और उनके हाथ दही वाले थे तो सारे मेरे मुंह के लग गए। माता यशोदा अभी कह रही है इसी उम्र से तू कितनी चोरी करता है, झूठ भी बोलता है। हमारे ब्रज के अंदर एक बहुत बड़ा चोर है, उसका नाम कफल नग है, जीव गोस्वामी पाद नाम भी बताते हैं, तो तू उससे भी आगे बढ़ जाएगा, अब तो तेरी खैर नहीं है। मैं तेरी माँ हूं और मुझे अधिकार है कि जब तू इतना गलत कर रहा है अभी 28 साल की उम्र में, तो आगे जाके तू कितना बड़ा चोर बन सकता है उसकी कोई सीमा नहीं हो सकती, तो तुझे मैं दंड अवश्य दूंगी। सब सच बता क्या हुआ? तो कृष्ण कहते हैं माता अच्छा चलो मैं सच ही बता देता हूं, जब तुमने दूध उभरते हुए देखा मेरी तो तुमने कोई परवाही नहीं, लेकिन उस बेचारी मटकी का क्या, तेरे पायल उससे लग गया, उसी में से छेद हो गया, उसी मटकी छेद होने के कारण सारा दही दूध वहां से निकल आया। माता यशोदा कहती बस हो गया, इतना मैं सुनती थी रोज लेकिन मैं यकीन नहीं करती, आज मेरी आंखों से मैंने देखा है कि तूने इतना उत्पाद बचा रखा है, तो ये गोपिया ब्रज की जो कहने वाली थी वो झूठ नहीं थी। चलो उसको पकड़ करके आंगन से फिर उसी कमरे में ले गए जहां शिखाएं लटकी हुई थी, तो वो चाहती तो आंगन के अंदर बहुत सारे पेड़ थे वहीं पे बांध सकती थी कृष्ण को, तो अंदर उस स्टोर रूम में माता यशोदा ने उखल से बांधना चाहा। क्यों? तो कुछ रसिक दृष्टांत है उसमें, माता यशोदा कहती है तू खल है कृष्ण और ये उखल है, इससे तेरी सहायता करी है चोरी करने में, ये उत्पाद बचाने में, तो आप दोनों को कर दे। उखल भी है वो भी वैष्णव है, गुरु है माता यशोदा, गुरु को तो दंड देने का अधिकार है, तो कहते हैं तू खल और ये उखल। आपको तो पता ही है कि जब कोई चोर चोरी करता है और अगर कोई उसको आश्रय दे दे, कोई यद्यपि अगर उसको आश्रय दे दे और पुलिस जब आती है तो कहते हैं आपने उसको देखा और आप कहते नहीं देखा है, और फिर पता चलता है कि आप ही ने उसको छुपाया है, तो आप भी भागीदार हुए उस क्राइम में, इस जुर्म में, और जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो दोनों को दंड होता है, जो सहारा भी देता है उसको और जो चोरी भी करता है। तो माता यशोदा ने उखल से बांधने का प्रयास किया। उन्होंने पहले जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि अपनी जो अंबोड़ी होती है या अपनी वो क्या कहते हैं चोटियां होती हैं उसके अंदर रिबिन होती है, बचपन में हमने देखा है, आजकल तो माता है पहले लगाती है नहीं लगाती है मालूम नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि रिबिन वाले बेचते आते थे बहुत बड़ा वो लेकर के, और लंबी लंबी रिबिन होती थी, और हमने देखा है जब लड़कियां भी स्कूल जाती थी तो हमारे
घर के आसपास पड़ोस में माता है, सुबह 10-15-20 मिनट लगा के वो रिबिन गूंथने में उनकी बालों में, तो काफी लंबी रिबिन होती है। तो माता यशोदा ने रिबिन पहले निकाली अपने जुड़े में से और कृष्ण के पेट को बांधना चाहा, लेकिन दो उंगली काम की। कृष्ण रो रहे हैं, माता यशोदा दृढ़ है, भक्त को भी इतना दृढ़ होना चाहिए, तभी दामोदर भक्ति बनता। कृष्णा रो रहे हैं और आसपास की गोपियां आ गई है घर के अंदर। वैसे भी हर सुबह नंद रानी के बिना, व्रज की गोपियां उसके दर्शन किए बिना वो जी नहीं सकती, और कृष्ण के दर्शन किए बिना दो बाल नहीं जी सकते। सुबह होते ही वो लोग आ जाते हैं, और अब की बार कृष्ण की रुदन सुन करके आस पास पड़ोस में जो घर थे वहां से गोपियां दौड़ी चली आई और उन्होंने ये अद्भुत दृश्य देखा कि माता यशोदा, उन्होंने देखा कि सारी मटकियां फूटी हुई है, वहां पर नीचे फर्श पे माखन आदि गिरा हुआ है, उखल वहां पड़ा है, और माता यशोदा जो है उसको बांधने का प्रयास कर रही है, और जब बांधने का प्रयास कर रहे दो उंगली कम है। उन्होंने दूसरी रिबिन निकाली, गांठ बांधी, नहीं हुआ, दोबारा दो उंगली कम है। माता यशोदा ने देखा गोपी गोपी अखिल खिला कर हंस रही है और कह रहे, देखा यशोदा, हम कह रहे थे कि तेरा लल्ला इतना नटखट है, इतना खल है, पर आज तेरे घर में ही देख कितना उत्पात मचाया हुआ है, देख क्या रही हो, जा करके और रस्सियां ले आओ। तो कुछ गोपियां जाती है रस्सी लाने और उस रस्सियों को भी बांध करके उसको दोबारा बांध करने का प्रयास करते हैं, तो दो उंगली कम है। जीव गोस्वामी बात बताते हैं, जैसे कि जब हम जमीन के ऊपर खड़े हैं और बहुत बड़ा पर्वत है, पर्वत के ऊपर अगर बादल ऐसा लग रहा है कि उसको छू रहा है, उसको जस्ट जैसे छू रहा है, लेकिन अगर आप देखो अंतर है फिर भी उस चोटी जो पर्वत की होती है और बादल में, ऐसा ही ये अद्भुत योग माया के कारण से दो उंगली कम पड़ रही थी। सारी रस्सियां गौशाला से मंगाई, कहते हैं कि अपने घरों से गोपियां रस्सियां ले आई, फिर भी दो उंगली, ऐसा एक अद्भुत जादू हो रहा था। तो गोपियां ने यह कहा कि देख, हम कह रहे थे ना कि तेरे बेटे में कुछ तो है, कुछ तो जादू टोना करता है। तो माता यशोदा कहती है, तुम्हारे माखन और तुम्हारा दूध चोरी किया है तो तुमने कुछ उसको सिखाया होगा, तभी तो आज मैं भुगत रही हूं, ये गांठ नहीं बन पा रही, पता नहीं क्या हो रहा है। समय निकल गया काफी और कृष्ण ने देखा मेरी माँ के माथे पे पसीना है, उनके गाल लाल हो गए, कपोल लाल हो गया, थक गई है। मन ही मन में माता यशोदा सोच रही है कि मुझे कितना काम है, कितनी सेवा करनी है, और यद्यपि मैं उसको नहीं मानूंगी तो क्या होगा। बीच में माता यशोदा ने यह भी कह दिया था कि तू और तेरे मित्र जो मरकट है, जितने भी बंदर है, तो उसी की तरह नकल करते हो और तो उसी से सब कुछ सीखते हो, तू एक बंदर है। तो कृष्ण ने कह दिया, तो मैं बंदर हूं तो मैं चाहता हूं बन में घर छोड़ करके। तो उसमें एक और दृष्टिकोण आता है, आचार्य पाल कहते हैं इसीलिए वो माता यशोदा उसको मानना चाह रही थी कि कहीं ये सचमुच छोटा बालक मेरा मन में ना निकल जाए, और मुझे सचमुच में इतनी सेवा है मेरी, तो इसको मैं छोड़ भी नहीं सकता, पता नहीं और क्या उत्पात करेगा। ये भी एक दृष्टिकोण हमारे आचार्य बताते हैं। तो माता यशोदा को थप करके और माता यशोदा मन ही मन में सोच रही है कि अब तो मैं इसको कैसे मारूं, हे प्रभु, ऐसे करके मन में पुकार दिया, अब कृष्ण तो परमात्मा है ही, बड़े प्रेम से और उन्होंने बड़ी दयनीयता से उन्होंने अंदर से पुकारा। तो कृष्ण कवि उनका तो स्वभाव है कि जब भक्त उनके शरण में आ जाता है तो वो तो कभी उसको मना नहीं कर सकता। जब
माता यशोदा का इस भाव प्रकट हुआ तो कृष्ण ने जैसे और कोई जादू हुआ और दोनों गांठ बांध पाई। तो हमारे आचार्य बात कहते हैं कि ये दो उंगली जो कम पड़ रही थी तो फासला था, उसका कारण क्या है? उसके तत्व ये बताते हैं कि एक पहली उंगली जो है वो प्रयास, पर्याप्त प्रयास भक्तों को करना चाहिए कृष्ण प्राप्ति के लिए, कृष्ण प्रेम के लिए। कृष्ण प्रेम इतना सस्ता नहीं है, बहुत महंगा है, उसके लिए लोग चाहिए। रूप गोस्वामी पद्यावली में बताते हैं कि एकम मूल्यम लोलियम, शुद्ध भक्ति का एक मूल है वो लोलियम, लोग। श्री राधिका माधुर्य प्रपार माधुर्य लीला गुण रूप नामना प्रति क्षणास्वादन लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। जब तक हमें एक दिव्य लोभ नहीं होता तब तक हमें शुद्ध भक्ति की प्राप्ति नहीं है। हर एक चीज का मूल होता है। यद्यपि अभी स्टील का ग्लास खरीदना है तो बाजार में चला जाओ, 50 रुपए का है जिसकी कीमत है। कुर्ता लेना है 500 रुपए का कुर्ता है। हर एक चीज की कोई ना कोई मूल्य होता है। तो शुद्ध भक्ति का मूल्य क्या है? लोभ, लोभ। तो प्रयास एक है। अच्छा, मान लो माता यशोदा ने खूब प्रयास किया था तो फिर क्यों नहीं बन गए? तो दूसरा जो है बताते हैं कि कृपा होनी चाहिए। सिर्फ प्रयास पर्याप्त नहीं है, इसमें दो तरह के न्याय या लॉजिक, संस्कृत में न्याय कहते हैं, और कौन सा शब्द है लॉजिक का हिंदी में? तर्क नहीं, आप लोग समझ गए। एक तो मर्कट न्याय है और एक मांजर न्याय है। मर्कट न्याय मतलब जो बंदर होता है उसका जो बच्चा आपने जो देखा होगा, रोज देखते हैं आते जाते मंदिर, उसको खूब प्रयास करना पड़ता है माँ को पकड़ने का, चाहे जस चिड़मा हुआ बच्चा हो तो भी। और जब बंदर छलांग एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, एक छत से दूसरे छत पर छलांग पर छलांग मारे जा रहा है, वो बच्चा माँ को पकड़ के रखता है, वो छूटता नहीं है, उसको बोलते मरकट न्याय। वो प्रयास करना होता है, खूब प्रयास। और दूसरा जो है मांजर न्याय है। मांजर मतलब बिल्ली, बिल्ली के बच्चे को कुछ नहीं करना पड़ता। आप तो जानते हैं कि जब बिल्ली का छोटा जो पिल्ला होता है, जो बच्चा होता है, माँ उसको अपने मुख से यहाँ वहाँ ले जाती है, उसको कुछ नहीं करना पड़ता, उसको कुछ नहीं करना पड़ता, सब कुछ उसकी माँ उसके लिए करती है। तो दोनों का जो है शुद्ध भक्ति के लिए वो दोनों पर्याप्त नहीं है। यद्यपि कोई भक्त है मैं कुछ नहीं करूंगा बस कृपा ऐसे ही हो जाएगी, तो भी गलत है। और मर्कट न्याय के हिसाब से आप इतना भी प्रयास कर लो, क्या है इसको? वेदेश सुदुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि। कितने भी वेद पढ़ लिए, कितनी भी मालाएं कर ली, कितनी उपवास किए, सब कुछ किया, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है जब तक कृपा नहीं बरसती। तो कृपा का बरसना बहुत आवश्यक है, दोनों चाहिए। और कृपा तब बरसती है जब हमारे में ये एक दृढ़ता होती है कि नहीं, मैं कृपा पात्र बनना चाहता हूं, उसमें दैन्यता आनी चाहिए साथ साथ प्रयास के साथ। जब दैन्यता आती है प्रयास के साथ तब कृपा बरसती है। दोनों जो है वो उंगलियां, जब माता यशोदा ने उस प्रेम की विवश होकर के दामोदर भक्ति बनता। तीसरे श्लोक में सत्यव्रत
कुछ बात कहते हैं कि दृश्य और लीला के आनंद कुंडित स्वदोष निमज्जनता, इस तरह इंद्रिय स्व अपनी लीला भी ऐसी बाल गोपाल की जो अनेक लीलाएं करके गोकुल के वासियों को आनंद के कुंड में डुबो दिया। कैसी कैसी लीला करते थे हमारे छोटे कान्हा, ग्वाल बाल जब चलने लगे तो उन्होंने तभी से दूसरे के घरों में जा करके कैसे उत्पात करना, उन्होंने युक्तियां बनाना शुरू कर दी। कृष्ण कहता है मधुमंगल को, देख आज तेरे घर में उत्पात करेंगे, तेरे घर में मटकियों में जो दही है उसको चुराएंगे, तू तेरे काम करना गौशाला में, तेरे घर के अंदर जो छोटी गौशाला है उसमें से तेरी मैया को जाके तेरे कह देना कि तेरा बछड़ा छूट गया मैया, और जब वो बाहर जाएगी हम लोग सब अंदर जाएंगे और सारे रसोई घर को रेड कर देंगे। तो ऐसे ही किया, और कान्हा और उनके जो साथीदार साथ जो गोपाल से छुपे हुए थे, जो मैया मधुमंगल की बाहर गई वो सारे के सारे अंदर गए, और उन्होंने जो है बहुत मौज से माखन दूध मिश्री सब कुछ छुड़ाया, खाया और ऊपर से तोड़ा। एक बार कृष्ण अभी तो तोतलेपन से बोल रहे हैं तो एक गोपी के घर गए, माखन चुराने जैसे ही जा रहे थे हाथ मटकी में डाली, गोपी छुपी हुई थी और उसने पीछे से आकर कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। तो कृष्ण ये क्या लाला, तू ये क्या कर रहा है? तो कुछ नहीं मैया, मेरा बछड़ा तेरी मटकी में अंदर चला गया तो उससे ढूंढ रहा हूं, तो अपनी भाषा में बोल रहा है। तो भैया बोलते अच्छा तेरा बछड़ा इस मटकी में, देखो तुम कहाँ है तेरा बछड़ा। तो कृष्ण तो योगेश्वर है, यत्र यत्र योगेश्वर, उनका एक नाम योगेश्वर है, उन्होंने तुरंत वहां से उस मटकी में एक छोटा खिलौने वाला बछड़ा को मैंने निकाल के भैया, और मैया देखते रह गए और वो हाथ छुड़ा के खा। एक मैया के यहां गया गोपी के घर और वहां पर भी पकड़ा गया, तो कह लाला तू ये क्या कर रही है, तू ये क्या कर रहा है? तो मैया कुछ नहीं, भूखा था माखन खा रहा था, और तू मुझे लाला बोल रही है ना, तो तू मेरी मैया हुई? कहते हाँ, बहुत अच्छा लग रहा गोपी को। जो मैया, कई गोपियां कह लेती थी मुझे मैया मैया बोल, मैं तुझे लड्डू दूंगी, मेरी गोदी में बैठ जा, उसी का इंतजार करती थी। बहुत अच्छा लगा, मैया वहीं पे हिप्नोटाइज हो गई, हाँ मैं तेरी मैया, तो ये अगर तू मेरी मैया हुई तो ये मेरा घर हुआ, तो हाँ ये तेरा घर हुआ, अगर ये तेरा घर मेरा घर हुआ तो ये रसोई घर तेरा है। बोलता है हाँ लाला ये तेरा रसोई घर, तो ये रसोई घर में जितनी मटकियां वो मेरी हुई। बोलता है हाँ लाला, तो ये माखन भी मेरा, हाँ लाला, तो हाँ लाला हाँ लाला करते हो सकते आनंद। एक बार एक गोपी ने ठान लिया, रोज जाकर के फरियाद करते थे यशोदा माई को, यशोदा सुनने के लिए तैयार नहीं है, मेरे घर में 9 लाख नहीं है, तब नंद महाराज ने कृष्ण के जन्म के दान दिए, हमारे क्या कमी है माखन मिश्री दूध दही की। तो ठान लिया था कि ये इसको जो है पकड़ करके यशोदा के सामने प्रस्तुत करूंगी, और ऐसी अवस्था में कि जब वो माखन खाएगा दही खाएगा और उसके कपड़े ऊपर सब गिरेगा, हाथ पैर में सब होगा, उसी अवस्था में खींच कर तो उसको ले जाऊंगी यशोदा के सामने खड़ा कर दूंगी। छिप गए दरवाजे के पीछे, कृष्ण अंदर आए और उसने माखन खाया, और फिर जैसे ही उसने माखन आदि खाया, कपड़ों के ऊपर माखन गिरा है, मुख के ऊपर है, हाथों पर है, सब उनके श्री अंग के ऊपर, उसने गोपी ने कहा लाला चल अब तेरी बारी आ गई है, मेरे साथ चल, हाथ पकड़ के आंचल के नीचे उसको डाल करके जा रही है नंद भवन की तरफ। यशोदा, अरे यशोदा सुन रही यशोदा, बाहर आ यशोदा, देख तेरे लाला ने आज क्या किया है। तो यशोदा माई उसकी उलाल सुन करके बाहर आ रही है,
तो क्या हुआ रही, क्यों इतनी चिल्ला रही है? और बाहर आते आते देख रही है कि अपना लाला तो शयन कक्षा में सो रहा है चैन की नींद। देख आज तेरे लाला को मैं लाई हूं, उससे कितना आप चुराया है। देख तेरे अपनी आंखों से आंसू खोला, उसके नीचे से अपना खुद का बेटा निकला। कृष्ण जो है अंदर से निकले नंद भवन से, आंखों को मार्जन करते करते मैया कौन इतना शोर मचा रहा है, और देखा वो गोपी वहां खड़ी थी। माता यशोदा बोली छोड़ो जा लाला को सो जा। माता यशोदा चली गई। फिर बाद में वो खड़े हो गए, क्यूरी अगली बार तुमने ऐसा किया तो आंचल के दिन तेरा ससुर निकलेगा। तो उसी को देख करके वो बड़ी प्रसन्न हुई। तो कहते हैं कृष्णा सचमुच में चोरी क्यों करते हैं? गोपियों के यहां जाकर के वहां ब्रज के अंदर चोरी इसलिए करते हैं कि भक्ति ये आकांक्षा है कि कब लाला मेरे घर आएगा। गोपियां सारा दिन बैठी थी, आज आया है यशोदा का लाला, नंद नंदन आज आया नहीं है, कब आएगा कब आएगा। सबसे बड़ा चोर जो है वो है बिल्वाभद्र ठाकुर ने बहुत बढ़िया अष्टकम लिखा है, चोर अष्टकम। इतना सुंदर उसके शब्द है, व्रजे प्रसिद्ध नवनीत चोर गोपांगना गोकुल चोर सिद्ध है कृष्ण। किस नाम से? नवनीत चोर। गोकुल में एक मंदिर है जिसमें बल्लभपुर के जो गोसाई जी थे विठल नाथ जी, उनके दूसरे पुत्र है, उनकी एक श्री विग्रह थे जैसे रूप गोस्वामी के गोविंद देव जी, उनका नाम थे नवनीत प्रिया। तो नवनीत प्रिया जी अभी तो वैसे वहां पर सेनाथ जी में है, श्रीनाथ जी में जो भागवतपुरी पाल जी के जो साक्षात विग्रह साथ साथ में नवनीत प्रिया जी भी वहां विराजमान है, लेकिन गोकुल में अभी भी नवनीत प्रिया जी है, उन्हीं उनका स्वरूप। जैसे यहाँ पर गोविंद देव जी है, मदन मोहन जी है, हालांकि कहते हैं कि वो वहां स्वरूप को यहाँ पर भी है। ब्रजवासी को दुख होता है जब हम कहते हैं कि ये ओरिजिनल है और ये नहीं है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। ये गलती हम पहले बहुत साल पहले कर चुके थे। कभी भी जब हम किसी को बोले कि हाँ ये वहां पर नहीं और यहाँ पर नहीं, क्योंकि नित्य लीला तो सब जगह चल रही है, खास करके ब्रज में तो चल रही है। हाँ, तो ये त्रुटि होगी हमारी तरफ से अगर हम कहें कि वो नहीं है, वो वहां यहाँ पर भी साक्षात मौजूद है। गोविंद देव जी यहाँ पर है, मदन मोहन जी यहाँ के, दामोदर जी यहाँ पर है, हाँ है ना, और श्रीनाथ जी गोपाल जी वो भी यहाँ पर है। भक्त के भाव को देख करके अपने आप को विस्तार कर सकते हैं कृष्ण। तो ब्रजे प्रसिद्ध नवनीत चोर, नवनीत चोर के नाम से प्रसिद्ध है, और गोपा गणानाम जितने भी गोपी गोपा गणानाम है ब्रज के अंदर उनका दुख भी चोर है, दुख को चोर। क्या भाव है देखिए, अनेक जन्मार्जित पाप चोर, जब भक्तों ने एक बार शरणागत हो गए तो हम तब सर्व पापी मोक्षयामी सर्वधर्मान परित्यज्या मामेकं शरणं गच्छ। तो अनेक पाप जन्मार्जित चोर, कृष्ण कितने बड़े चोर हैं कि हम अनंत कोटि जीव है उनके सबके पाप चुरा सकते हैं, अनेक
पाप हमारे चुरा सकते। चोर अग्रगण्य पुरुषम नमः। अग्रगण्य मतलब टॉप मोस्ट नंबर वन। चोर कौन है? वो कृष्ण है। उस कृष्ण को जो चोर अग्रगण्य है उसको मैं प्रणाम करता हूं। आगे देखिए क्या भाव है। राधिकास्य श्री राधिका हृदयस्य चोर। राधा रानी का दिल चुरा लिया। और अगर और भी रसिक अगर उसका दृष्टांत देखे तो राधा रानी का दिल चुराया मतलब कौन? चैतन्य महाप्रभु। बोलो चैतन्य महाप्रभु की जय। राधा जी का भाव उन्होंने चुरा लिया पूरे का पूरा कृष्ण ने। तब तो महाप्रभु बन के आए। राधिकास्य हृदय चोरम नवामुद श्याम क्रांति चोरम। नवामुद मतलब जो नया बादल, जब नया बादल बनता है तो उसकी जो क्रांति होती है उसको भी कृष्ण चोर लेते हैं। इसीलिए सुंदर काव्य है नवनीरगनिंदिता कांति धरम रसो सागर नागर भूपवन शुभवं की मचारु शिखंड शिखि भज कृष्णानिधि व्रजराज सुत भज कृष्णानिधि व्रज राज सुत भज कृष्णानिधि व्रज राज सुत। जो सुंदर सी जो कृष्ण का जो वर्ण है वो जो नए बादल जो काले से जो श्याम रंग के होते हैं उसकी कांति को चुरा लेते हैं। और सबसे दूसरी बात ये कहते हैं बिल्वा मंगल ठाकुर कि पादाश्रितम च सर्वस्व चोरम समस्व चोरम। जो भक्त सचमुच में कृष्ण का पादाश्रय जिन्होंने ले उसका सब कुछ चोर लेते हैं। पाप तो छोड़ लेते हैं लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है ना उसकी परिकाष्ठा आप जानते हैं। कृपा जी इस पर्टिकुलर प्रसंग को और श्लोक को याद करते हैं कि यस्याहम अनुग्रहामि जिसके ऊपर मैं विशेष कृपा करता हूँ उसका मैं सब कुछ ले लेता हूँ। और जब मैं उसका सब कुछ ले लेता हूँ तो फिर उसके सगे संबंधी सब उसको छोड़ देते हैं क्योंकि तो उसके पास कुछ पैसा नहीं है कुछ। क्योंकि इस दुनिया में जितने भी सगे संबंधी हैं सिर्फ कुछ आपके पास है। कुछ यहाँ पर हमारे गुजराती भक्त हैं तो एक मुझे याद आ रहा है बचपन में सीखा था कि नाना वर्णो नाथियो नाने नाथा लाल। नाना मतलब जिसके पास पैसा नहीं है नाना मगर तो उसका नाम नाथा लाल उसको ले नाथिया। अगर मान लीजिए किसी का नाम रमेश है तो हम उनको प्यार से हम रमेश जी या आदर से रमेश जी बुलाते हैं तो हम अगर उसको तुच्छ तरीके रमेश जरा तो नाना अगर वो नाथियो नाने नाथा लाल जिसके पास पैसा है उसको बोलते नाथा लाल जी जरा बुलाइए। तो ये बात है। रूपा जी जब प्रयाग में थे उनका बड़ा प्लान था तो ऑलरेडी उन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया था दवाई और आदि फार्मेसी का तो और उनका बिजनेस में वृद्धि हो। उन्होंने कुछ प्लान्स बनाए थे और बैठे हुए थे एक दिन और कहते हैं कि वो उस समय तो शायद इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं थी लेकिन वो लैंडर के उस पर बैठे हुए थे और अपने जो सारे बिजनेस के कागज वगैरह प्लान बनाए थे और लैंडर हवा के चोर से गिर गया और सारे कागज चल गए। तो प्रभुपाद जी के श्लोक को याद करते हैं बलि महाराज का प्रसंग है कि यस्याह अहम प्रणामि जब मैं किसी को कोई विशेष कृपा करता हूँ तो उसका सब कुछ मैं छोड़ लेता हूँ उसका हरण कर लेता हूँ। तो कुछ भक्त तो डर जाएंगे कि भाई हम ज़्यादा भक्ति करेंगे तो कृष्ण हमारा सब कुछ ले जाएगा। डरिए मत हमारे आपके दिल्ली बहुत दूर है हमारे लिए श्री राधे। तो पादाश्रितम च समस्त चोरम जो शुद्ध भक्त है उसका सब कुछ छोड़ लेते हैं। तो जब माता यशोदा को वो फरियाद क्यों करने जाती थी? कृष्ण चोरी करने का तो कारण अभी हमने समझ लिया लेकिन जो गोपियां माता यशोदा को फरियाद क्यों करने जाती थी उसकी क्या होती थी? हमारे आचार्य पाठ बताते हैं फरियाद इसलिए करते थे कि जो ये सुंदर सुंदर नटखट लीलाएं मधुर लीलाएं माता यशोदा नहीं देख पाती थी तो वो उसको जा करके फरियाद के बहाने उसको सुना।
चाहती थी, ताकि कृष्ण की जो कथा होती है वो अमृत जब समाज की होती है तो उसका आस्वादन माता यशोदा भी करे, ये भाव होता था। भगवत गीता में भी एक श्लोक है ना कि क्या मत चित्त, हाँ, एक दूसरे से परस्पर में जो है भक्त जो है कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं और आस्वादन करते हैं। तो चोरी करने का कारण और फरियाद करने का कारण ये तो सिर्फ बहाना है, प्रेम जो है वो सबसे सबसे ऊंची प्रेम सगा है। हाँ, कैसे भी बहाना करके कृष्ण जो है, तो आगे हम लीला में बढ़ते हैं। इदृक्ष लीला वे आनंद कुंडे, सत्यव्रत मुनि इतने सुंदर जो है कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं यहाँ पर। स्वघोष निमंजनम, स्वघोष का अर्थ आचार्य पाठ समझाते हैं कि अपना घर उसको बोलते स्वघोष। जो अपने होते हैं बहुत निकट के, उन्हीं के साथ बहुत सुंदर सुंदर चीजें या उन्हीं के साथ परस्पर में ऐसा व्यवहार होता है, बाहरों के साथ नहीं होता। स्वघोषा निमंजन को डुबा दिया इन सुंदर सुंदर लीलाओं से, जो वैकुंठ में दुर्लभ है, सिर्फ ब्रजवासियों को सुलभ है, गोकुल में सुलभ है ये बाल लीला। स्वघोष इन गोकुल के वासियों को निमज्जनम अख्यपयम तादृशी अग्नेषु भक्तैश्च तत्त्वम्। तो यहां पर कृष्ण कहते हैं, वार्तालाप है, दोबारा याद कराए हम सब अपने आप को कि हाँ ये बात तो सही कह रहे हो सत्यव्रत, जो मेरा ईश्वर हूं मैं उसका ज्ञान रखता है, मैं भगवान हूं जो उसका ज्ञान रखता है, उनको मैं घोषणा करता हूं। स्वघोष का मतलब ये भी हुआ, स्वघोष का मतलब और एक अर्थ समझा दे, अपने भक्तों को कृष्ण कह रहे हैं। कृष्ण के कई प्रकार के भक्त हैं, क्योंकि कृष्ण नारायण भी है, विष्णु भी है, राम भी है अपने अवतार में। तो कहते हैं उन सारे भक्तों को, मेरे भक्तों को मैं घोषणा करता हूं कि जो मेरी भगवत्ता के बारे में जानता है, जो मेरी ईश्वरता के बारे में जानता है, आप देखिए मेरे गोकुल वासियों को, मेरे ब्रज वासियों को देखिए, वो मिसाल है। तदी ऐसी धर्मेश भक्त जीतत्व, मैं भक्ति से मैं आप जो है मुझे जीत सकते हो, जैसे मेरे गोकुल वासी मेरी माँ ने जीत की प्राप्ति करी है, मुझ पर मेरे वश में कर दिया है, इसीलिए मैं भक्त वश। सत्यव्रत मुनि कहते हैं पुनः बार बार में ऐसी सुंदर मधुर लीला, और इन भक्तों को मैं कृष्ण आपको प्रणाम करता हूं। शतावृति हिंदी सत्यव्रत मुनि कहते हैं आगे कृष्ण को, वरम देव मोक्षम न मोक्षम अभ्युपा न च अन्य वृणे अहम वर ईशा। देखिए कितना सुंदर है यह भाव यहां पर। कृष्ण प्रसन्न हुए सत्यव्रत मुनि से। पहले कृष्ण ने सत्यव्रत मुनि से कहा, अच्छा भैया तुमने पहले मेरी प्रशंसा करी दास्य रस में, और तुमने ये भी चाहा कि वो सच्चिदानंद रूप जो है दास्य रस में, तुम गोकुल में मेरा रूप देखना चाहो, बहुत अच्छी बात है। फिर तुमने जो है लसुक कुंडलम, मेरे जो कुंडल है उसकी प्रशंसा करी है, जब मैं भाग रहा था और मेरे कुंडल जो है मेरे गालों को चुंबन कर रहे हैं, तुमने मेरे कुंडल को प्रशंसा की। यहाँ पर भाग है कि कृष्ण के सारे आभूषणों का जो है उन्होंने प्रशंसा करी है। फिर तुमने जो है मेरी माँ की प्रशंसा करी, लीला मेरे रूप का, मेरे 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 जो ईश्वरता का प्रशंसा किया गोकुल के अंदर, जिसको बोलते हैं ऐश्वर्य विशेष। फिर मेरे रूप का जो आपने वर्णन किया, रूप विशेष कुंडल है,
गोकुल विराजमान हूँ, फिर मेरी मैया का जो आपने जो लीला, मेरी जो सुंदर लीला है उसका आपने वर्णन किया, जो माँ यशोदा ने प्रेम से जो मुझे बांधा और मेरे गोकुल के वासियों को मैंने जो डुबा दिया आपने उसका भी वर्णन किया, नाना जो है लीलाओं को दृष्टांत करके देख करके, तो भैया क्या चाहते हैं मुझसे? तो कोई अगर हमारी प्रशंसा प्राप्त करे ना तो फिर हम बोलेंगे क्या कर सकते हैं आपके लिए। ये एक ऐसा भाव प्रकट होता है, सनातन गोस्वामी पाठ कहते हैं तो ठीक है तुम्हें मैं ऐसा करता हूँ, मुक्ति दे देता हूँ तुझे, कुछ अवश्य कुछ चाहिए मुझसे। तो तुरंत जो है संत व्रत मुनि का जो है टोन बदल जाता है, कृष्ण को पुकारते हैं वरम दे, क्या कहते हैं उसको वरम दे। आचार्य पास समझाते हैं कि कृष्ण के दो प्रकार के नाम है, श्रेणियां, एक तो गौणीय नाम है और दूसरा विशेष नाम है। गौणीय नाम के उदाहरण क्या है? हे भगवान, हे परमेश्वर, हे परमात्मा, हाँ, वरम देव, वर देव, वर वरदान देने वाले देव, ये जो है गौणीय नाम है। और विशेष नाम क्या है? यशोदा नंदन, नंद नंदन, दामोदर, गोपी जनवल्लभ, राधा रमण इत्यादि, ये जो है सारे के सारे विशेष नाम है। तो कृष्ण विशेष नामों से बहुत प्रसन्न होता है। जब हम विशेष नाम लेते हैं ना, नंद नंदन कहते हैं, नमामि नंद नंदनम, नमामि नंद नंदनम, नमामि नंद नंदनम। सनातन गोस्वामी पाद नंद अष्टकम टीका, नंद नंदन अष्टकम की रचना करी है। कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं जब उस नाम से पुकारते हैं, अरे वाह ये कौन भक्त है जो मेरे बाबा का नाम ले रहा है। कृष्ण करते गदगद हो जाता है। जय राधा माधव कुंज विहारी, राधा माधव, ओह मेरी राधा जी का नाम आ रहा है, कुंज विहारी, कुंज में ब्रज के अंदर विहार करने वाले, ये विशेष नहीं है। उसकी और कृष्ण बहुत शीघ्र आकर्षित होते हैं उनको, परमात्मा भगवान कृष्ण आदि बोलने से, कहा ना उसको बोलो तो अच्छा लगता है, नवनीत चोर नवनीत प्रिया उसको बोलो तो उसकी लीला का स्मरण करते हैं, अपनी लीला को याद करते हुए, वाह ये भक्त है जो मेरी लीला जानता है। विशेष नाम यहाँ पर सावधान हो जाते हैं, हाथ जोड़ के जिस किसी को अगर हम कहना कि भैया क्षमा करना, हाथ जोड़ लेते हैं ना तो कृष्ण को उस भाव से कहते, वरम दे, आप मुझे मुक्ति दे रहे हो, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, वरम दे वो मुक्ति मोक्ष अवधिपा, और इससे ज्यादा कुछ आप मुझे देने वाले हो। कृष्ण कहते हैं कि ठीक है भैया, मोक्ष के लिए तो इतने सारे योगी कतार में खड़े हैं, तुम्हें मोक्ष चाहिए होगा? तो नहीं चाहिए, वरम देव कृपा करें, तो ठीक है चलो भैया तुझे वैकुंठ में स्थान, अवध मत तो वैकुंठ, तो वैकुंठ में स्थान दूंगा, वहां पर तुम्हें मुक्ति होगी, तुम्हें सायुज्य मुक्ति नहीं चाहिए, तो मैं तुम्हें सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति देता हूँ और सालोक्य मुक्ति देता हूँ, हाँ, और साक्षी देता हूँ, ये चार प्रकार की जो मुक्ति है वैकुंठ में उपलब्ध है वो मैं तुम्हें देता हूँ, वरम देव वो भी नहीं चाहिए, वरम देव मोक्षम न मोक्षम अवधि वा न च अन्य, अन्य का अर्थ हमारे सनातन गोस्वामी पाद समझाते हैं कि अगर आप मुझे नवदा भक्ति के बारे में उस प्रकार की भक्ति का भी अगर मुझे वरदान देना चाहते हो तो वो भी मुझे नहीं चाहिए। तो ये बात जब मैंने सुनी या मैंने जो कुछ पढ़ी तो मुझे भी आश्चर्य लगा, नवदा भक्ति भी नहीं, क्योंकि उस पर की साधना भक्ति कर करके ज्यादा से ज्यादा वैकुंठ की प्राप्ति होती है, प्रहलाद की भक्ति ध्रुव की भक्ति की प्राप्ति होती है और वो मुझे नहीं चाहिए। इसमें भाव जैसे सनातन गोस्वामी पाद के भागवत अमृत में गो कुमार सारा पृथ्वी का भ्रमण करते हैं, फिर उसके बाद स्वर्ग जाते हैं, स्वर्ग के बाद वैकुंठ जाते हैं, वहां पर भी उनकी संतुष्टि नहीं होती है, और जब वैकुंठ से द्वारका मथुरा जा करके जब वो अंत में गोलोक में जाते हैं तो कृष्ण को सखा भाव उसकी जो प्राप्ति जब होती है, कृष्ण उसको आलिंगन करते हैं, कहाँ था भैया तू, तेरा चित्र आपने देखी है, वो चित्र कृष्ण गोप को आलिंगन कर रहा है, वो गोप कुमार है,
तब उसको पूर्ण संतुष्टि होती है वो सत्य रस के अंदर, गोलोक के अंदर। वरम देव मोक्षम न मोक्षम अभिम व न चो अन्य, वो भी नहीं चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं हाथ करके भैया तो क्या चाहिए बता, तू ही बता। तो कहते हैं कि इदम देव पूर्णात्म गोपाल, अभी जो मैंने गोकुल के अंदर आपकी गोपाल की बाल लीलाएं जो देखी सदा वे मनसी, मनस मतलब हमारा जो मन है, मैंने वो उस दिन भी बताया कि मन जो है वो हृदय के अंतर्करण में होता है। सदा वे मनसी अविराष्ट्रम की मनिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गोकुल के अंदर जो वात्सल्य भाव में जो मुझे इस सुंदर लीलाओं का दृश्य वो सदा मेरे अंतर्करण में विराजे, ये मैं चाहता हूँ। कृष्ण ने कह दिया हास्य, कृष्ण प्रसन्न हो गए। जो कृष्ण की माता की प्रशंसा करता है, उनके गोकुल की प्रशंसा, ब्रजवासियों की प्रशंसा करता है, उनकी लीला का प्रशंसा करता है, उनके रूप का प्रशंसा करता है, कृष्ण प्रसन्न तो हो ही है और भक्ति अभिलाषा वहां पर पूर्ण करते हैं। और उसको जो है इदम ते गोपाल बाल गोपाल का जो है मुझे दृश्य देखना है और वो मुझे आप दे दीजिए, बस इतना ही मैं चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अथास्तु, उसको उसकी प्राप्ति हो गई। बाल गोपाल का जो पूरा जो उसका दृश्य था लीला है सब वो देख रहे हैं। फिर जो है एक मन में प्रश्न उठ सकता है कि ये जो दामोदर अष्टकम तो गोकुल की जो बाल लीला है वात्सल्य रस विद्यमान है, यहां पर तो हम घोड़ियों को भी उससे रस आ रहा है, हमें क्या लेना देना है? हमारा तो कॉन्सेंट्रेटेड माधुर्य रस का हमारा जो है हाँ भाव है, इसका रहस्य हम पांचवें श्लोक से शुरू करेंगे। इसके तो हमारे सनातन गोस्वामी पाल जो रसिक आचार्य है इसमें इतना इंटरेस्ट लेते हैं और उन्होंने इतनी अच्छी टीका लिखी है, जीव गोस्वामी पाल ने लिखी है, वरना ये तो वल्लभ कुल के वल्लभ आचार्य जे जो जो वल्लभी वैष्णव है पुष्टिमार के, उनके लिए ये सही है, हमारे लिए क्यों इतना इतना? क्योंकि हमारे सारे कार्तिक के अंदर एक एक मंदिरों में जितने भी गौड़ी वैष्णव, सिर्फ इस्कॉन नहीं, सारे के सारे गौड़ी वैष्णव इसको गाते, और हरिभक्ति विलास में गोपाल भट्ट गोस्वामी ने ये बताया है कि ये गाना चाहिए, तो उसका मतलब है सारे के सारे सिक्स छः गोस्वामी हैं उन्होंने उसको जो है दबाव दिया है, ये जो दामोदर अष्टकम राधा रानी की प्रसन्नता के लिए गाना है। तो आगे जब हम बढ़ते हैं इस लीला में, कहते हैं इदम ते मुखाम भोजन, कहा कुछ जगह पर अत्यंत लीलर का शब्दों का प्रयोग किया और कुछ जगह पर अव्यक्त लीलर, दोनों का अर्थ अगर सही दृष्टि से देखा जाए तो यही है। इदम ते मुखाम भोजन अव्यक्त लीले वृत्तम कुंडलय सिद्ध रक्त। अब जो है सत्यव्रत मुनि कि अपनी जो लोभ है वो बढ़ रहा है और लोभी होकर के कह रहे हैं, जब उन्होंने कृष्ण का चेहरा देखा, अभी वो खास करके उनके चंद्र मुख को देख रहे हैं, उनके कमल मुख को, उसके ऊपर जो है वो जो है अपनी जो है ध्यान दे रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, तो इदम जैसे, इदम का मतलब जैसे आपने बाल गोपाल लीलाएं दिखाई मुझे, उसी तरह आपके सुंदर चेहरे का दर्शन बारंबार कीजिए। इदम ते मुखाम भोज, अम्बोज मतलब सुंदर सा कमल, मुखाम भोज अव्यक्त लीले अत्यंत लीले, आपका जो वर्ण है वो नील रंग का है, अव्यक्त है, इस जड़ जगत में ऐसा रंग है ही नहीं, अनमैनिफेस्टेड जिसको बोलते हैं, इस जड़ जगत में ऐसा रंग नील रंग है ही नहीं इस जड़ जगत का, अव्यक्त नील है, इतना सुंदर आपका रंग है। और वृत्तम कुंठलय स्निग्ध, आपके जो सुंदर घुंघराले बाल है स्निग्ध बहुत ही कोमल है, घुंघराले बाल उसमें रक्त ही छोड़ धीरे धीरे थोड़ी सी लालिमा है आपके बालों में, और ऐसा लग रहा है जो
जैसे कि बहुत सारे भवरे एक कमल के फूल को घेरे हुए हैं, ऐसा लग रहा है। कमल का फूल बहुत सुंदर होता है और इस बहुत सुंदर फूल होने से बहुत सारे भवरे उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। तो ये वर्णन किया है जीव गोस्वामी बाद ने, सनातन गोस्वामी बाद ने। तो ऐसा उनको ये दृश्य और आगे जाके उनको ऐसा लोभ बढ़ता है। रक्तश्च और गोप्या मुहुश्चुंबितम बिंब रक्त अधरम। और मैं देख रहा हूं कि माता यशोदा आपको बार बार चुंबन कर रही है, आपके जो अधर होस्ट है बिंब फ्रूट जो बिंब फल है उसके समान लाल है, लाली माया है। कुछ साल पहले हम ब्रज गए थे, नई ब्रज पेंसिल्वेनिया में, वहाँ पर बहुत सुंदर श्रीनाथ जी का मंदिर है। तो कुछ श्रीनाथ जी से कीर्तनियाँ आए थे, पद तो मुझे याद नहीं है, उनके अस्तुछा सका के पद थे, इतना सुंदर पद था। जब मैं कीर्तनियाँ से पूछा इसका जरा अर्थ समझाएं तो बताते हैं कृष्ण का जो जो वर्णन करते हैं उसके चंद्रमुख का, तो कहते हैं कि कृष्ण के जो होस्ट हैं इतने लाल हैं जैसे कि ये बिंब फल के समान तो है, लेकिन जैसे कि सूर्योदय जब होता है और कैसा लालिमा होती है सूरज में, ऐसे सुंदर कृष्ण के होंठ हैं। और जब वो थोड़ा सा मुख खोलते हैं और स्मित बोलते हैं जब हंसते हैं तब, तो और जब उनका मुख खोलते हैं तो वो लालिमा की वजह से उनके जो सुंदर दांत हैं। जीव गोस्वामी पाद भी इस गोपाल चतुर्वेदी जैसे कि बहुत सारे चंद्रमा जो पूर्णिमा के चंद्रमा होते हैं, ऐसे उनके बहुत सारे चंद्रमा उनके दांत के समान है। और ये दांत में जब ये लालिमा अपने होठों की जब उसकी उसके ऊपर रिफ्लेक्शन होता है तो इतना सुंदर उनके दांत दिखते हैं, जैसे कि कोई पान चबाता है ना, तो ऐसा सुंदर लालिमा उनके दांतों में होता है क्योंकि उनके होठ इतने सुंदर हैं। तो होठों के वर्णन करने से बार बार माता यशोदा चुंबन करती है तो उनको और लोभ आता है और वो भी चाहते हैं कि वो चुंबन करें कृष्ण को, देखिए उनके मन में भावना। तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी पाद जी गोप्या का अर्थ, तो यहाँ पर ये उन्होंने यशोदाया नहीं कहा, गोप्या का अर्थ ये भी हुआ कि उनको ये एक जैसे भक्त की अभिलाषा होती है कि मैं भी कृष्ण के साथ विलास करूँ और उनकी तृप्ति के लिए मैं काश गोपी होती, क्योंकि गोप्या का मतलब गोपियाँ भी कृष्ण को चुंबन करती है। और सबसे ज्यादा चुंबन कौन करती है? श्री राधा। तो उनको एक माधुर्य रस की एक उनको अनुभूति हो रही है उस समय, सत्यव्रत नदी को सनातन गोस्वामी पाद बता रहे हैं। और मुहुश्चुंबितम, मुंह बारंबार चुंबन कर रहे हैं, बिंब रक्त अधरम, कृष्ण के अधर इतने सुंदर है और अमृत के समान है। भागवतम में उसका वर्णन किया है, गोपियां कहती है कि कृष्णा तेरे विरह से जब तुम निकले व्रत से 12.5 साल 13 साल के बाद, फिर तुमने हमको छोड़ दिया और आपके विरह में हम कब के मर चुके होते, और यद्यपि अगर हम मर गए होते तो तुम्हारा क्या होता, इसीलिए हमने अभी तक हमारा देह संभाल के रखा है। और दूसरा, हमने आपके अधर अमृत, गोपी गीत में भी ये शब्द का प्रयोग होता है, अधर अमृत है, जिससे एक बार अमृत चख लिया है तो वो मर कैसे सकता है। तो अगर हम मरना भी चाहें तो हम नहीं मर सकते, क्योंकि हमने अगर अमृत आपका चखा हुआ है आपके होस्टों का, तो हम मरना भी चाहें तो विरह में हम नहीं मर सकते कृष्णा। तो ये जो है ना उनका एक ग्रेजुएशन हो रहा है, दास्य भाव से उन्होंने सख्त अपना वात्सल्य भाव प्रकट किया, कृष्णा ने वो तो प्रदान कर दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये प्रस्ताव रखा तो सारा जो है उसका जो जो भी उनको जो स्फूर्ति आनी थी वो सब बंद हो गई। बहुत मांग रहे हो अभी, बात अभी तुमको मैंने वास्तव में उसको दे दिया, अब मैं माधुर्य रस गोपी रस इतना आसान नहीं है। और उन्होंने पूरा जो है ब्लैकआउट कर दिया, प्रोजेक्टर बंद कर दिया, जितना भी जो कुछ देख रहे थे सत्यव्रत मुनि का देखना जो उसकी स्फूर्तियाँ होने बंद हो गई। तो फिर सत्यव्रत मुनि क्या करते हैं अगले श्लोक के अंदर, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभो दुख जल अब्धि मग्नम कृपा दृष्टि दृश्यति दीनम बतानु
ये बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है। उन्होंने ये प्रकट किया था, ये आशा प्रकट करी जब उन्होंने गोपियों को चुम्बन करके उन्होंने वो दृश्य जब उन्होंने भी अभिलाषा रखी जैसे कि वो रासलीला में प्रवेश करना चाह रहे। सनातन गोस्वामी बात बताते हैं कि रासलीला में, और रासलीला में गोपियां कृष्ण को आलिंगन करती और चुंबन करती और खास करके श्री राधा। तो जब रासलीला के अंदर वो लीला कर रहे थे और कृष्ण जो है अदृश्य हो गए थे गोपियों के समक्ष से, तब गोपियों ने क्या किया? कीर्तन किया, गोपी गीत गाए। तो कीर्तन करने से तब वही स्तुति करते हैं वो, नमो देव दामोदर, हे दामोदर। दामोदर का अर्थ हमारे आचार्य पास समझाते हैं, माता यशोदा ने दाम से उदर को बांधा, उसको भी दामोदर कहते हैं, लेकिन दामोदर उसको भी कहते हैं। जब किशोर कृष्ण गोपियों को मिलने आता था और वो जब समय पर नहीं आता, राधा जी जब उनसे जो है तो पीड़ित होकर बैठती थी, तो गोपियां ललिता विशाखा आदि कृष्ण को उधर से तमाल के बेल से बांध देते थे, इसीलिए उनको दामोदर महामंडली कहते हैं। दाम उधर कृष्ण को बांध देना अपने पेट का। तो नमो देव, इस बार जब कार्य देव का अर्थ समझाते सनातन गोस्वामी पाद, जो रमन करते हैं गोपियों के साथ उसको भी देव कहा गया है। और कैसे देव? जो रमन करने वाले दामोदर माधुर्य रस में अभी उनको याद कर रहे हैं, जैसे गोपियों ने विरह में कृष्ण को याद किया। नमो देवता अनंत विष्णु, कहते आप अनंत हो और विष्णु। तो एक प्रश्न उठता है मन में, उन्होंने दास्य रस कब का छोड़ दिया? दास्य रस में भी वो कहते कि विष्णु का तो मुझे वो दर्शन करना ही, वो सच्चिदानंद रूप का, गोकुल वाले सच्चिदानंद रूप का मुझे दर्शन चाहिए। तो ये विष्णु कहाँ का नाम आ गया यहाँ पर? जब वो माधुर्य रस में वो प्रवेश करना चाह रहे हैं तो हमारे आचार्य पास समझाते हैं विष्णु का अर्थ जो हुआ, जो सर्व जगह व्यापी हो उसका साधारण अर्थ हुआ विष्णु। सर्व जगह उपस्थित है उसको विष्णु कहते हैं, विष्णु उसको कहते हैं। तो यहां पर भाव ये है कि कृष्णा व्रज के अंदर, किशोर कृष्णा माधुरी रस व्रज के अंदर बहुत जगह एक साथ उपस्थित है, सब जगह उपस्थित, सेवा कुंज में है, निधिवन में है, यहां पर वंशीवट में है, यमुना के किनारे है, गोवर्धन की कंदरा में है, राधा कुंड में है, सब जगह उपस्थित है। हमारे षड गोस्वामी पाद गाते हैं, हे राधे व्रज देव की चलनी ते, हे नंद सुनो पुरो गोवर्धन कल्प पाद पटरे कालिंदी सुतो। कहां पर? तो कितने सारी जगह पर कृष्ण जो ब्रजेंद्र नंदन, नंद नंदन जो किशोर जी है वो उसको विष्णु के नाम से संबोधित करते हैं, क्योंकि हर जगह मौजूद है ब्रज के अंदर। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, अनंत आपकी सुंदर रास लीलाएं हो रही है, माधुर्य रस की लीला हो रही है, ओ ब्रजेंद्र नंदन। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभु, प्लीज कृपा करो मुझ पर, मेरे पर प्रसिद्ध। दुख मेरा दुख है अभी कि मैं इससे दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। आपको दुखी होना चाहिए, अश्रु आने चाहिए जब हम हरि नाम भी करते हैं तो उसी भाव से, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु भी अभिलाषा करते हैं, नयनम गलत अश्रु धारया वदनम गद गद हृदया गिरा कुल कीर विचित्र बहु कदा तव नाम गृह देश भविष्य। गोपियों ने रुदन किया था गोपी गीत के अंदर, तब कृष्ण दोबारा आकर्षित होकर प्रकट हुए। बात तो सही है ना? तो यही भाव से रुदन कर रहे हैं सत्यव्रत मुनि, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभु। दुख चालक दी मतलब में ऐसे जैसे बड़े सागर में डूब रहा हूं, मेरे पास कोई सहारा नहीं है,
कृपा दृष्टि दृश्यति विनम्रा, कृपा ऐसी दृष्टि जैसे गोपियों पर आपने कृपा दृष्टि करी थी। गोपी गीत में सरदासे जैसे घोटी है
अच्छा वकील जब कोर्ट में खड़ा रहता है अपने क्लाइंट को जज से बाइज्जत रिहा करने के लिए, तो कई केसों का जो है वो अध्ययन करके पिछले बहुत साल पहले जज जी फलाना फलाना केस हुआ था फलानी फलानी कोर्ट में और फलाना फलाना जज था और बिल्कुल ऐसा ही था, लेकिन उस जज ने उस समय जैसे मेरा क्लाइंट कठेरे में खड़ा है उसको भी बाइज्जत रिहा करा था। इस तरह मैं भी बहुत गिरा हुआ हूं। कोई रात में जाओ भक्त मुड़ता ही वही भक्त, आप खुद बंधे हुए थे। अब थोड़ा सा लीला में वापस आ जाए जीव गोस्वामी की, क्योंकि ये श्लोक में ये लीला, तो जब कृष्णा को माता यशोदा ने उखल से बांध दिया था तो माता यशोदा फिर गोपी होगी, चलो चलो बहुत देर होगी, रसोई घर में जाना है, इंद्र के लिए तैयारियां करनी है और अभी इसने सारा इंद्रायान पर पूरा कांड कर दिया, उसको जो है साफ करना है, तो सारी गोपियां फिर माता यशोदा की आज्ञा से अंदर जाती हैं उनको मदद करने के लिए, और कृष्ण यहाँ पर अकेले रो रहे हैं उस चोर ने उखल से बांध लिए। गोपाल आए हुए हैं और गोपाल ने देखा ही तो क्या हो रहा है, कृष्ण की आवाज यहाँ से आ रही है, तो गोपाल सीधे उस कमरे में घुसते हैं और कहते हैं कृष्ण देखते क्या हो, मुझे छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ। तो सारे गोपाल प्रयास करते एक के बाद एक के बाद एक, लेकिन छूट नहीं रहा। इतने में कुछ ही क्षण बाद रोहिणी माता उपनंदी के घर से बलराम जी को लेकर के आ रही है। रोहिणी माता सीधे प्रस्थान करती है रसोई घर में और बलराम जी ने गुलाल सुना उस रूम में और खाने की रुदन की ध्वनि सुनी आवाज सुनी तो उस तरफ दौड़ के गए अंदर और उसने देखा जो मेरे काना को बांध दिया किससे बांधा मेरे काना को। दूसरे गोपाल की तरफ क्रोध में देख रहे और उस समय योग माया ने एक मिनट एक क्षण के लिए आवरण डाल लिया और साक्षात बलराम प्रकट हुए, उनकी आंखें लाल हो गई और देख रहे हैं कि मेरे काना को किससे बांधा, मेरे भैया को किसकी हिम्मत हुई ऐसे करके। तो वधू मंडल में हिम्मत हुई रखते हैं कान के पास जाकर और उसको कान में बोलते हैं मैया यशोदा हो। तो दाऊ उसको बुलाते हैं कृष्ण को करते दाऊ छुड़ाओ मुझे दाऊ, क्योंकि जानते दाऊ का बहुत बल है कृष्ण, दाऊ आ रहा मुझे छुड़ा देगा मेरा बड़ा भैया है। दाऊ जाता है कृष्ण को छुड़ाने के लिए, गांठ खोलने की प्रयास करता है बहुत करते हैं गांठ छूट नहीं रही है। दाऊ से भी अनंत कोटि बल के बलराम जी से भी गांठ नहीं छूट रही है। क्यों नहीं छूट रही है, क्योंकि ये गांठ वात्सल्य रस में बंधी है, सख्य रस में नहीं छूट सकती। यद्यपि अगर बलदेव जी अनंत मंजरी के रूप में आते तो वो गांठ तुरंत छूट जाती, क्योंकि वो माधुर्य रस और वात्सल्य रस सख्य रस से ऊंचा है ये मानना है। बहुत प्रयास किया नहीं हुआ तो बच्चे जो है फिर जो है कृष्ण को हंसाने का प्रयास करते, मधुमंगल अपनी चोटी खींच रहा है अपने कान खींच रहा है और अपने जीवा को भार दे रहा है और कृष्ण फिर हंस पड़े, फिर कह रहे किसी का प्रस्ताव दिया चलो 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 भार खेलते चलते हैं कृष्ण हम तुमको भार ले चलते धक्का मार कर कृष्ण कहा चलो चलो चलो। तो खल सहित कृष्ण को जो है उसको गोल गोल घुमा करके बाहर आंगन के लिए चलते हैं और बच्चे गोल गोल घूम रहे हैं और खल सहित बीच में जो यमन अर्जुन देर थे उसमें जो जगह थी कृष्ण बच्चों को पीछे जाते जाते घुटनों के बल से पीछे उकल आ रहे उसमें फंस जाते हैं। तो जब वो फंस जाते हैं तो दोबारा सच्चिदानंद जो जो उनकी जो पूर्ण पुरुषोत्तम शक्ति है उन्होंने सिर्फ वहां से धक्का दे दिया और दो यमन अर्जुन पैर जो है धड़ाम करके नीचे गिर गए और उसमें से दो सुंदर व्यक्ति बाहर आए उनकी मुक्ति हुई। ये दोनों कुए आकर जाओ वर्द मूर्तमय यद्र, तो सत्य मुनि कहते हैं कि आप खुद बंधे हुए हो कृष्ण अभी तक फिर भी आपने उनको मुक्त करवाया, आप कितने दयालु हो। देखिए भाव सत्यव्रत मुनि का, जब हम दामोदर अष्टम को गाते हैं तो फिर सब एक एक लाइन में उसका स्मरण करना चाहिए कि आप खुद बंधे हुए हो और आपने उनको मुक्त किया, आपकी दया की कोई सीमा नहीं है, हे कृष्णा करुणा सिंधु आप करुणा के सिंधु हो। तया मोचित भक्ति भाजव और आपने उनको मुक्त तो किया लेकिन वापस स्वर्ग में नहीं भेजा, आपने उनको गोलों को अपना धाम दिया। तो तथा प्रेम भक्ति उसको काम में पड़ेगा, आप
मुझे भी वो दे दीजिए, मैं भी तो गिरा हुआ हूं, मेरी क्या गलती है, उनकी भी शायद मुझसे ज्यादा गलती हुई होगी। तो आपने तो ऐसा बढ़िया केस तैयार कर दिया उस श्री कृष्ण के समक्ष।